कुछ हमारे आहार के विचार जो हैं वो मिथ्यक हैं, यानी कि कुछ भ्रांतियाँ हैं, और उनके हिसाब से अगर चलें तो आपके सेहत को बड़ी ख़राब हो सकती है। सोशल मीडिया भी इसे बड़ा सहारा दे रहा है, फैला रहा है, जो चीज़ आयुर्वेद ने एक्सेप्ट ही नहीं करता। लोग उसको कुछ और मानते हैं, आयुर्वेद कुछ और कहता है। आप अभी गूगल में अगर सर्च करेंगे कि दही की तासीर कैसी है, तो तुरंत आएगा कि दही की तासीर ठंडी होती है, गर्मी को भगाने के काम आती है, जबकि आयुर्वेद के अनुसार दही की तासीर गर्म होती है और इसको सर्दियों में खाया जाता है। लेकिन इसका विपरीत, लोग बाग अपनी गर्मी को भगाने के लिए दही का प्रयोग गर्मियों में करते हैं, जिसके फलस्वरूप अंदर तेजाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उस टाइम उन्हें बड़ा आनंद आता है। दही पित्तवर्धक है और गर्म तासीर है। दही जिन लोगों के रक्त स्राव हो रहा है या एसिडिटी है, पित्त के रोग हैं, तो उनको दही नहीं लेनी चाहिए। जिनका खून खराब है, फोड़े पुंछी होती है, उनको दही नहीं लेनी चाहिए। जिनको खांसी और कफ बनता है, उनको दही नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये कफ वर्धक है और पित्त वर्धक है। तो आप दही के मामले में अगर आप ये सोचते हैं कि ठंडी है, तो आयुर्वेद कहता है ये गर्म है। रात को दही नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये भारी होती है और रात में अग्नि मंद होती है, तो इसको अगर आप लेंगे तो मंदाग्नि और होगी, क्योंकि ये कब्रतक है, तो मंदाग्नि होने से आपके पेट खराब होंगे, आपको काफ़ी कुछ रोग लग सकते हैं। कुछ दही को कभी गर्म करके नहीं लेना चाहिए। लेकिन लोग बाग कढ़ी बनाते हैं दही से, और ग्रेवी, सब्जियों की ग्रेवी बनाने के लिए भी दही का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये आयुर्वेद के अनुसार हानिकारक है। आपको पित्त कुपित हो सकता है, आपका खून खराब होकर के फोड़े पुंछी हो सकते हैं, आपके चेहरे पर दाग आ सकते हैं, कील मुहासे ज़्यादा बढ़ सकते हैं। दही को कभी अकेले नहीं खाना चाहिए, कभी भी और किसी भी मौसम में आप दही को अकेला ना खाएं, या तो उसमें कोई मीठी चीज़, मिश्री वगैरह डालें, शक्कर डालें, या उसमें आप घी डालें या शहद डालें, ये आप अपने तासीर के अनुसार, अपने रोग के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार कर सकते हैं। एक मिथ्या है मल्टीग्रेन के बारे में। आजकल बहुत प्रचलन है मल्टीग्रेन खाने का, पता नहीं कहाँ से ये चलाया है। मल्टीग्रेन का मतलब है आप तीन चार तरह के अनाज मिक्स करके आटा बनाना। आप मिलाते क्या हैं, आप जौ मिलाएंगे, आप गेहूं मिलाएगा, आप उसमें चना मिलाएंगे, उसमें रागी मिलाएंगे। अब इनका एक एक करके अगर गुण बताएं, तो जैसे गेहूं है स्निग्ध है, जौ रुक्ष है, इसी प्रकार से दूसरे अन्न की भी तासीर अलग अलग है, और कोई वज़न बढ़ाने वाला है, कोई वज़न घटाने वाला है। तो इसलिए आप तरह तरह के गुणों की इकट्ठा करके खाना, ये ठीक नहीं है, आपके स्वास्थ्य को ख़राब कर सकता है। जो जिन लोगों को अंदर चिकनाई भरी हुई है, तो जो रुक्ष है, रूखा है, तो रूखापन लाने, शरीर में लाने के लिए जौ का प्रयोग किया जाता है। कहीं का शरीर तेलीय होता है, त्वचा तेलीय होती है, तो जौ का प्रयोग करें। और जो आदमी रूखे सूखे हैं पहले से ही, जिनके बाल रूखे हैं, जिनकी खाल फटी फटी रहती है, रूखी होती है, उनको गेहूं ही खाना चाहिए। और इस मल्टीग्रेन आटे को इकट्ठा बना करके खाना, कोई ये इसको आयुर्वेद अलाउड नहीं करता। आप अपनी प्रकृति के हिसाब से, आप अपने मौसम के हिसाब से देख करके आप इन अनाज को, सर को खा सकते हैं, लेकिन आप अपनी प्रकृति और मौसम को देख लें, अकेले अकेले खाएं। जिस प्रकार से गर्मी के दिनों में
मोटा व्यक्ति आदमी है तो वो जौ ले सकता है, लेकिन वही जौ बरसात में लेने से वायुवर्धक है, आपके शरीर में हड्डियों में दर्द रहना शुरू हो जाएगा। चना रुक्ष है, चना गेहूं के साथ मिलाकर के खाया जा सकता है बलवर्धक के लिए, लेकिन जब आप उसके साथ कोई स्निग्ध चीज़ खा रहे हों, अगर आप कोई स्निग्ध चीज़ रुक्ष चीज़ खा रहे हैं और बल बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके साथ स्निग्ध घी या दूध आपको लेना चाहिए या तेल लेना चाहिए। अब आती है बात अंकुरित अनाज की। आजकल अंकुरित अनाज भी बहुत ज़्यादा खाया जाता है। अंकुरित अनाज में अंकुर आते ही वो पाचन में भारी हो जाता है और वातवर्धक हो सकता है, क्योंकि ये रुक्ष गुण का होता है, रुक्ष होता है, और रुक्षता आपके शरीर को रूखा करेगी, वात को कुपित करेगी। तो अगर आपको खाना है अंकुरित अनाज तो इसको घी या तेल के साथ खाएं, उसका एक छोंका सा लगा दें, थोड़ा सा आप फ्राई पैन में घी डालें, थोड़ा आप उसके साथ पचक चीज़ डाल सकते हैं, थोड़ा नमक डाल सकते हैं या थोड़ा हींग अजवाइन डाल सकते हैं पाचन के लिए। आप उसमें घी में छोंका लगा करके इसको आप अच्छी तरीके से खा सकते हैं। पानी पीने की गलत प्रथा या अधिक पानी पीने की जो धारणा बनी है लोगों को कि पानी खूब पीना चाहिए, लोग बाग अपने ऑफिस में अपने क्रम स्थल पर बोतल भर भर के रखते हैं और धीरे धीरे पानी पीते रहते हैं। आपका शरीर हाइड्रेट रहे उसके लिए पानी ज़रूरी है, लेकिन एक मात्रा से अधिक पानी पीने से आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि आवश्यकता के अनुसार आप 70-75% तक का आपके शरीर के अनुसार ज़रूरी है आपका जल, लेकिन आपका अगर जल पूरा है शरीर के अंदर और फिर भी आप जल पी रहे हैं तो आपको हाइपोनेट्रेमिया या जल विषाक्तता का रोग हो सकता है। अधिक जल पीने से रक्त में सोडियम की कमी भी हो जाती है, जिसके कारण बेचैनी, थकान, चक्कर आना, लो प्रेशर होना, वोमिटिंग टेंडेंसी होना, ये हो सकता है। तो आप शरीर अपनी प्यास के हिसाब से, आप अपने शरीर की ज़रूरत के हिसाब से पानी जरूर पिए, लेकिन अंडर डोज, ओवर डोज नहीं, अपनी आवश्यकता के हिसाब से ये लें और किसी की बात पर ना जाएं। आप अकेले अकेले अनाज खाएं, दही को गर्म करके ना खाएं। दही जो है वो गर्म है, सर्दियों के दिनों में खाई जाती है, या जिसको रुक्षता है वो आदमी इसको खा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके जीवन में मददगार होगी। आज की वीडियो ये आपको कैसी लगी तो इसके बारे में आप कमेंट करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज, और अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में इसको शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।